हेलो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन ऑल इंडिया पीएमटी 2004 से है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा वाई आर 2,3 एट टी बराबर जीरो। टी बराबर जीरो पर पार्टिकल यहाँ है, टी इजिकल्स टू 2 पर यहाँ है, टी इजिकल्स टू 5 पर यहाँ है। एवरेज वेलोसिटी वैक्टर बताना है 0 से लेकर 5 तक। देखो, एवरेज वेलोसिटी कभी भी निकालनी होती है ना, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। एवरेज स्पीड पूछते तो क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करना है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी आपको निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है फाइनल पोजिशन वैक्टर माइनस इनिशियल पोजिशन वैक्टर और ये नीचे डेल्टा टी। सो पार्टिकल बीच में कहीं से भी गया, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ इससे मतलब है कि इनिशियली पार्टिकल कहाँ था एंड फाइनली पार्टिकल कहाँ था। तो आओ मैं आपको R2 माइनस R1 निकालता हूँ। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट बराबर R2 माइनस R1। देखो, ये जो R2 वेक्टर है फाइनल पोजिशन वेक्टर, वो यहाँ से निकलेगा। R2 वेक्टर बराबर होगा 13 आई कैप प्लस 14 जे कैप, और R1 वेक्टर होगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। 13 आई कैप प्लस 14 जे कैप में से आप सबट्रैक्ट कर दीजिए 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो 13 आई कैप की जो टर्म है और ये जो 2 आई कैप, इनको घटाओगे तो कितना आएगा 11 आई कैप, एंड 14 जे कैप में से माइनस करोगे 13 को तो भी कितना आएगा 11 जे कैप आएगा। सो दिस इज डेल्टा एस। एवरेज वेलोसिटी बराबर मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो दिस इज 11 आई कैप प्लस 11 जे कैप, और जो टाइम लिया गया वो कितना लिया गया है 5 सेकेंड्स। सो माई आंसर इज 11 अपॉन 5 आई कैप प्लस जे कैप। This is the correct answer of this question. Thank you so much and God bless you.